कमेंट बॉक्स में आपने पूछा कि नथिंग स्पीक ऑफ के जगह पर क्या सो कॉल्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इन क्वेश्चंस का आंसर देंगे ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो सके। तो आइए फ्रेंड्स, आज के लेसन की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने कुछ दिनों पहले नथिंग स्पीक ऑफ या नॉट स्पीक ऑफ के बारे में बताया। नथिंग स्पीक ऑफ का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमको कहना हो कि तुम बस नाम के ये चीज हो, जैसे तुम बस नाम के एक अध्यापक हो, तो आप कहेंगे यू आर नॉट अ टीचर स्पीक ऑफ, या बस नाम का एक पार्टी है तो आप कहेंगे दिस पार्टी इज नथिंग स्पीक ऑफ। तो फ्रेंड्स, आपने वहां सीखा कि जब आपको कहना हो कि किसी चीज में वो वाली बात नहीं है जो उसमें होनी चाहिए, तो आप इस कंडीशन में नथिंग स्पीक ऑफ या नॉट स्पीक ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। बट कमेंट बॉक्स में कुछ लोगों ने पूछा कि सो कॉल्ड का क्या यूज है, तो मैं आपसे कहूंगा फ्रेंड्स कि आप नथिंग स्पीक ऑफ के जगह पर सो कॉल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी सो कॉल्ड का भी यूज हम तब करते हैं जब हमको कहना हो कि कोई इंसान नाम मात्र का है या बस कहने के लिए है। यू आर अ सो कॉल्ड टीचर, इसका मतलब वो फ्रेंड्स कि तुम बस नाम मात्र का एक टीचर हो या तुम बस एक कहने के लिए टीचर हो, तुम्हारे अंदर टीचर वाली कोई बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को आप ऐसे भी कह सकते हैं यू आर नॉट अ टीचर स्पीक ऑफ। तो फ्रेंड्स, चाहे सो कॉल्ड का इस्तेमाल करें या नॉट स्पीक ऑफ या नथिंग स्पीक ऑफ, इस सिचुएशन में इस टॉपिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो मैं आपसे कहूंगा कि आपका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस लीडिंग वर्ब। यानी अगर आपके सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो आप इज़ आर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, अगर आपके सेंटेंसेस पास्ट में है तो आप वाज वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सो कॉल्ड के साथ आप ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है। अगर आपको कहना हो यह बस नाम मात्र का एक पार्क है या बस कहने के लिए एक पार्क है, तो आप कहेंगे दिस इज अ सो कॉल्ड पार्क। यानी ये बस कहने के लिए एक पार्क है, यहाँ पर पार्क वाली कोई भी बात नहीं है। इस सेंटेंस को आप ऐसे भी कह सकते हैं दिस पार्क इज नथिंग स्पीक ऑफ। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो तुम नाम मात्र का एक दोस्त हो या तुम बस कहने के लिए एक दोस्त हो, तो आप कहेंगे यू आर अ सो कॉल्ड फ्रेंड। आप इस सेंटेंस को ऐसे भी कह सकते हैं यू आर नॉट अ फ्रेंड स्पीक ऑफ। उसी तरीके से अगर आपको कहना हो वह बस एक नाम मात्र की वाइफ है, तो आप कहेंगे सी इज अ सो कॉल्ड वाइफ। यानी वह बस कहने के लिए एक वाइफ है। आप चाहे तो इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं सी इज नॉट अ वाइफ स्पीक ऑफ। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आपको ये बात समझ में आया कि नथिंग स्पीक ऑफ की जगह पर आप सो कॉल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।